नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर में 24 घंटे में 7 इंच बारिश का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गहरी गंभीर नदी के बाढ़ में 21 लोग जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे को बचाया गया। इंदौर में शुक्रवार शाम से लगातार बारिश शनिवार सुबह आफत में बदल गई है। एक दिन में 7 इंच से ज्यादा पानी गिरा है। शहर में सितंबर में 61 साल में कभी ऐसी बारिश नहीं हुई। रात भर से जारी बारिश से कई घरों में पानी घुस गया है और लोग घरों में ही कैद हैं। हालांकि शनिवार दोपहर 2 बजे बारिश रुक गई थी, लेकिन 2:30 बजे के बाद फिर बारिश शुरू हो गई। घने बादल छाए हुए हैं। अनुमान है कि 36 घंटे में 9 से 10 इंच बारिश हुई है। उधर देर दोपहर राव तहसील के ग्राम कलारिया में गंभीर नदी डैम की बाढ़ में फंसे 21 लोगों को जिला प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बचाया। इनमें महिलाएं बच्चे सहित कुछ मछुआरे डैम के समीप घिरे हुए थे। हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही SDRF और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। इंदौर शहर में महेश नगर में निचली बस्ती के घरों को खाली करा लिया गया है। कबूतर खाना क्षेत्र में भी कई परिवार रेस्क्यू किए गए हैं। तालाबों के किनारे से भी घर खाली कराकर परिवार रिलीफ कैंप में भेजे जा रहे हैं। प्रशासन प्रभावितों में फूड पैकेट बंटवाएगा। लोगों की मदद के लिए नगर निगम के कंट्रोल रूम में नंबर 9329555202 और 0731253555 और 0731403010 जारी किए गए हैं। शनिवार सुबह सुपर कॉरिडोर पर सर्विस रोड की पुलिया से स्टाफ की मिनी बस बह गई। 15 लोग सवार थे, सभी को बचा लिया गया है। गांधीनगर क्षेत्र और MR10 वाले हिस्से में पानी भर गया है। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने सावधानी पूर्वक यात्री वाहनों को संचालित करने की सलाह दी है। कई कॉलोनियों में घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत पहुंचकर राहत कार्य में जुट जाते हैं। शहर के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई ठप है। बिजली विभाग की टीम बारिश रुकते ही काम करेगी। नाका नदी के आसपास सुबह ही पानी बह गया और वहां बस एवं दोपहर करीब 2 बजे से लोग फंस गए। वहीं खजराना नदी के पास सड़क पर भी पानी बह गया और वहां भी कई घर गिरने की आशंका है। रिटायर्ड बादल ने खजराना नदी में पानी के स्तर की चिंता व्यक्त की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।